अच्छा, ये जो आपके जैन साहब सोच रहे हैं कि वो एक विधायक जी बन के सिस्टम की सफाई कर देंगे, तो इनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। जी ये दुष्टों का बहुत सिस्टम है, जब तक आप जो है इनको विनय अनुनय प्रार्थना से या विवश करके या रिप्लेस करके संविधान, नियम कानून, ब्यूरोक्रेसी और जितने भी परिवर्तन हम लिस्ट कर रहे हैं, जब तक वो नहीं किए जाएंगे तब तक जी कुछ नहीं हो सकता है। और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं अवेलेबल है, इन्होंने पूरे अवेलेबल सिस्टम को जकड़ लिया है। हाँ जी जी बिल्कुल आप सही बात कह समझ रहे रहे हैं हो ना? जी। एक व्यक्ति पहुंच के कुछ नहीं कर सकता है, क्या क्या औकात है उसकी? वो क्या, आपने उनका पत्र पढ़ा, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि वो कैसे कहना ये मेरे चाह रहे बेटे हैं कि का जाहिल बना गवाने आप मुझे विधायक बना दो तो मैं कुछ सफाई दे करूंगा। जी। किसी के कहने से थोड़ी विधायक बनते। नहीं, मतलब इन द सेंस के मैं खड़ा होके बन जाऊंगा, आप सपोर्ट करेंगे तो एक और मक्कार बदमाश पैदा हो जाएगा, और क्या उससे फर्क केजरीवाल से परेशान है लोग नहीं, नहीं, केजरीवाल तो जो है बहुत कातर और महाधूर्त है, उसको आप हल्के में मत लीजिए, उसने तो पंजाब को भी आपने हथिया उसकी दिया है। ओरिजिनलिटी बता दी, आपने उसकी, हाँ? आपने अपने पुराने पीढ़ी में उसकी ओरिजिनलिटी बता दी हाँ, मेरा उसमें कहना ये है कि वो कुछ मायने में तो अच्छा है, उसने हाँ सिद्ध कर दिया है कि ब्यूरोक्रेट भी इन काले नेताओं से बड़ा और महाधूर्त हो सकता है, झूठ बोल हो सकता सकता है, वही सब धूर्त चालें चल सकता है जो ये काले और दुष्ट और करते हैं राजनेता चल रहे हैं। तो वो जी इन धूर्तों का महाधूर्त हो गया, तो देवों के देव महादेव, लॉर्ड के लॉर्ड महालॉर्ड, और वो हाँ धूर्तों का धूर्त महाधूर्त। सही है जी तो राजनेता यदि अपने आप को धूर्त कहें तो वो जो है केजरीवाल, वो ही क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड एज ए महाधूर्त। डू यू एग्री विथ मी? नहीं, वो इन बाप सबका है मतलब बाप, कहते हैं फादर है, बाप है, बाप है, वो इन बिल्कुल सबका फादर से काम बनता नहीं, बाप से ही बात समझ आती बाप है। है लक्षणों में उनका बाप है वो जी। उसने ध्वस्त कर दिया है इनको, देखा जाए तो। हाँ हाँ इनको ध्वस्त किया है बिल्कुल उसके जो, पर वो वहीं ध्वस्त हुआ है जहाँ कांग्रेस आ रही है। आप ये देखिए उसका देखो, साइकोलॉजी वार वही बेसिकली है जहां पर जहाँ उसे एज कांग्रेस ए वीक है वहीं विकल्प पड़ा है। स्वीकार हाँ किया गया, राइट? आप जैसे उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी आदित्यनाथ योगी जी एक सशक्त जी विकल्प थे, और हाँ उन्होंने खुद जो है अपराध मुक्त कराने में, अब उत्तर प्रदेश के और हम आप रहने वाले हैं, गुंडा जी मवालियों दुष्टों का प्रदेश है वो, राइट? जी वहां बुलडोजर मुख्यमंत्री ही चाहिए। मतलब आप उनको सैकरी करते हैं मतलब को अरे 200%, मैं तो अच्छा उनको कह रहा हूं, अभी मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा, अरे वाह और बड़ी खुशी की मैं बात है उनसे कह रहा हूं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना देते हैं उनका। हाँ ये बात है, वो आपसे बड़े और जो मतलब देखो वो बुलडोजर से बनाएंगे, हम व्यवस्था परिवर्तन करके बनाएंगे, नहीं हम सही जो है कहेंगे वो स्थायी होगा, उसे हाँ कोई ये वो धूर्त, डराने के लिए केजरीवाल जैसे धूर्त भी मकारी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही कलाकार है तो मतलब उसकी तो कुछ भी कह सकता है, इनसे भी नहीं, बाप जो है वो व्यक्ति जो है देश की राष्ट्रीयता के साथ गद्दारी कर सकता है वो कुछ बहुत भी ही कह सकता खतरनाक है। मतलब पर वो वो टपोला है, उस वो इनको भी सिद्ध कर रहा है कि तुम भी तो गद्दारी कर रहे हो, तुम कौन सी राष्ट्रीयता कर रहे हो, हाँ, बिल्कुल है सर ना? हाँ और आप जो है ना चालें खेल रहे हो शतरंज की, जी राष्ट्रीयता तो वहां पर भी नहीं है। हाँ वो एक्चुअली ना इनका नहीं आप ये बताइए मतलब ना, नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के बिना, पहले तो बिना सुप्रीम कोर्ट के होना चाहिए था कि भाई एक हाँ चपरासी बनने के लिए साचरित तो साक्षर होना चाहिए, तो देश के हाँ कानून के निर्माता अपराधी क्यों? अब जो सही है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पीआईएल में निवेदन अनुनय कर लिया है कि भैया ये काम तो पार्लियामेंट को करना है, ये धूर्त पार्लियामेंट जिसमें खुद खुद 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी प्रकृति के हैं, अपराधी अपराधी चरित्र के हैं, अपराधी अपराधी के उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है उनके अपने एडमिशन के खिलाफ से हिसाब से, और 29% तो जघन्य अपराधों के अपराधी हैं जिनको डरावने हैं, हत्या, जी लूट, डकैती, बाप बलात्कार, जी
इनका इन सभी की जगह जेल में होना चाहिए, और इनमें ऐसा क्या मोती लगा है? अरे भाई साहब, पहले अपने आप को दोष मुक्त कर लो, फिर आ जाना। नहीं, वो नहीं करेंगे, वो माफी, वो उनका मतलब कहीं राजनीति के, मैं यही तो कह रहा हूँ कि चरित्र तो इनका भी खराब है। ये सत्ता में बने रहने के लिए कुछ जो है मुद्दों को तलाश में, मुद्दों के माध्यम से जो ना सत्ता में बने रहना चाहते हैं। धूर्तता दुष्टता में तो ये भी किसी से कम नहीं है, कम नहीं है। आपके गृहमंत्री देखिए, गृहमंत्री सारे, चाहे वो बीजेपी के हो किसी, अपन किसी का नाम ना ले उनको, अपन राजनेता और दुष्ट नेता धूर्त नेता कह के जो है ना सभी को एक ब्रैकेट में रख लें, और उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो कम धूर्त हैं, वो शुद्ध जो ना सज्जन वो भी शायद नहीं है। पर किसी लेवल तक वो कह सकते हैं ना, पाप को मानने के लिए कुछ लेवल तक तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूँ उस व्यवस्था कर लीजिए ना, आपको पोलिंग बूथ की जरूरत पड़ेगी ना, इन दुष्ट कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, चुनाव आप बिना उसके जीत जाए, खर्च करना नहीं पड़ेगा, सज्जन ही सज्जन आ जाएंगे। अब आपको यदि पेट में दर्द है, मैं 5,000 करोड़ की पार्टी हूँ, तो अब इस दर्द को मैं दूर करने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है कि मैं इसका लाभ लेना चाहूँ। सही कहा, हमारी जो खर्चबीन चुनाव व्यवस्था है उसमें खर्च करना अपराध है, तो इट इज नॉट दैट कि आपको खर्च करना नहीं पड़ेगा, यदि आप खर्च करेंगे तो जेल में जाएंगे। इस चीज को चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, वो तो इंडिपेंडेंट। हाँ, आयोग नहीं कर सकता है बेटे, यह बात जो है कानून में परिवर्तन लाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ 1951, उसको संशोधित करना पड़ेगा। यह एक्ट धूर्त जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है अपने लाभ के लिए, और इसी के माध्यम से उसने जो परिवारवाद उसने चलाया है, वो परिवारवाद उसने उसी उसके माध्यम से लाया है। उसने कोई जो है ना उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी का फंडा नहीं रखा, उसने जो है ना ये डिफाइन नहीं किया कि इन राजनीतिक पार्टियों के कौन से कृत्य जो है वो अपराध होंगे, क्योंकि अपराध करने के लिए, अच्छा ये बताओ कितना महादुष्ट था वो कि उसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मरवा दिया, कितना महादुष्ट था कि हमारा उत्तर प्रदेश के है कि नहीं है जी, हमें, आप तो खैर बच्चे रहोगे, आपको शायद इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन चुनाव में गुंडे मवालियों की जो है ना टुकड़िया बनती थी बूथ कैप्चरिंग के लिए, बूथ कैप्चरिंग होती थी, मुझे याद है, मतलब नहीं आप सुना जाता था, ज्यादा छोटे रहे होगे मेरे। हाँ नहीं, पर अभी न्यूज में बिहार में भी वो पेटी कुएं में फेंक दी जाती थी, और वो अरे ये तो क्या करते थे दुष्ट लोग, इनके गुंडे मवाली जो गाँव जो जगह इनके फेवर की नहीं होती थी वहां गुंडे लगाए जाते थे उन लोगों को पोलिंग बूथ में ना पहुंचने के लिए, देने के लिए, और उनके फर्जी वोट इनके गुंडा मवाली डालते थे, तो और सारे लोग जो है पश्चिम बंगाल में तो इस बार भी ऐसा ही होता है, फिर वहां की पुलिस प्रशासन तो, कुछ नहीं कर, लेकिन ये बताए ना, मेरा ये कह रहा हूँ देखो दुष्टता डॉक्टर सर्वेश बहुत है, दुष्टता ये है कि जो भी मुख्यमंत्री बना है वो इस संविधान के माध्यम से आया है, राइट। इस संविधान में के शेड्यूल 7 में उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी और राइट्स दिए गए हैं, उसमें तीन लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 केंद्रीय सरकार की है, लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, और लिस्ट 3 कॉन्करेंट है, उसमें स्टेट और सेंटर दोनों कर सकते हैं, लेकिन स्टेट का जो है वो पोर्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा जो सेंट्रल से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, राइट। और जो रेसिडुअल है वो सेंटर का माना जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब जैसे पुलिसिंग है, इट इज द एंट्री नंबर 2, इसकी एंट्री नंबर 1 है लाइन ऑर्डर, राइट। तो आप याद करो 92 में 3 सरकारों को इसी क्लॉज का यूज करके गिराया गया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, राइट। अच्छा, हाँ। अब जब पुलिसिंग नहीं हो रही है, FIR दर्ज नहीं हो रहे, गुंडा मवाली घूम रहे हैं, पुलिस और जो है राजनीतिक पार्टियां जो है ना हैंड इन ग्लोव हो गए हैं, तो इज इट नॉट फेलोअर ऑफ मशीनरी। मैं कह रहा हूँ जो गवर्नर वेस्ट बंगाल हैं वो पब्लिकली रोते रहते हैं, पब्लिकली रोने की बजाय संविधान ने उन्हें जिम्मेवारी दी है कि हर महीने वो एक रिपोर्ट भेजे प्रेसिडेंट को, राइट। ये कच्चे चिट्ठे प्रेसिडेंट की रिपोर्ट में लिख के अनुशंसा करें कि आर्टिकल 356 के तहत जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ध्वस्त कर दिया जाए।
आपका मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ, आप चुनाव के समय की क्लिपिंग देखिए, और देखी भी होंगी, तो वो रूंगे आई और मुस्लिम जो है ना अपने पीछे जो है बड़े बड़े लठ लिए हुए और सामने से सीआईएसएफ की गाड़ियां निकल रही हैं। अब ये बताओ प्रिपरेशन टू असॉल्ट, ये प्रिपरेशन टू असॉल्ट मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल है, हाँ वो तो रेडी है, प्रिपरेशन टू असॉल्ट, असॉल्ट इज इट नॉट ए क्राइम? इतने जो है ना लोगों के मर्डर हुए, रेप हुए, ये हुए वेस्ट बंगाल में आफ्टर द इलेक्शन, नगर्दी है। और राजनीतिक लोग जो है ना वो करवाया तो था वो उन्होंने, नहीं मेरा ये कहना है कि चुनाव में मैं कह रहा हूँ दोस्त जो है ममता बनर्जी का नहीं है, दोस्त नरेंद्र मोदी का है। अदरवाइज वो ये रिपोर्ट प्राप्त करें, आर्टिकल 356 के तहत उनको डिसमिस करें, और पार्लियामेंट में जो हंगामा हो पार्लियामेंट में हंगामा करने वालों को जो के खिलाफ हंगामा कर दिया जाए कि साले दुष्टो तुम जो है संविधान की जो कहेंगे आप हो, तो लेकिन उन्हें ये मालूम है कि यदि हम ज्यादा संविधान की दुहाई देंगे तो लोग इन्हें भी संविधान दिखाएंगे, वो ये भी नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि ये भी संविधान के क्लॉजेस को सिलेक्टिवली अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहते हैं। अब ये बताइए 2006 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 7 बिंदु, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि पुलिस को पॉलिटिशियन के इंटरफेरेंस से सील कर दिया जाए, राइट? अच्छा बिल्कुल सही, हाँ राइट। 16 साल बाद इन दुष्टों ने इंटरफेरेंस को टोटल एंड कंप्लीट कर दिया है। अच्छा कितने दुष्ट लोग हैं, इन दुष्टों को लज्जा नहीं आती है कि जो पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने भारतीयों के दमन के लिए बनाया था उस एक्ट से आज भी आपकी पुलिस गवर्न होती है, जिसको 1861 का पुलिस एक्ट कहते हैं। और इन राजनेताओं के हाथ पैर फूल जाते हैं जब भी किसी पुलिस सुधार की बात होती है। तो पहले जो है ना पुलिस ने अंग्रेजों की सेवा की, अब पुलिस इन काले अंग्रेजों की सेवा कर रही है। और उनके तो थोड़े बहुत फिर भी सिद्धांत विद्वान थे, ये तो शुद्ध अपराधी और काले चरित्र के लोग। ये बताओ ना, इन दुष्टों ने अपने चारों तरफ कार्यकर्ता के नाम पे गुंडे मवालियों और अपराधियों को इकट्ठा कर लिया है, वारंट है, इन दुष्टों को लज्जा नहीं आती है? आपको किसी दुष्ट को लज्जा आते दिखाई देती है क्या? नहीं, वो तो बड़े वो अपने ऊपर धर्म का चोला ओढ़ लेते ना, उसको कहते हम तो हमारे पास तो बहुत अपराध, धर्म है तो अपराधी क्यों? हाँ ये तो वो कहते हम तो मतलब धर्म ही नहीं है, हम तो धर्म निरपेक्ष है, हमारा तो कोई धर्म नहीं है, हम तो अधर्मी है। धर्म निरपेक्ष में अधर्मी नहीं होता है। और वैसे भी जो है तो ये सब दुष्टता है। क्या हुआ तुम्हारे वो जो मंत्री मंत्री पूछताछ कर रहे थे, ठंडे हो गए? वो नहीं, मैंने उनको वो क्लिप भेजी थी, इसके बाद वो मेरी उनसे चर्चा नहीं हुई। अभी तो यहाँ पे वो बवाल मचा हुआ है विधान एमसीडी का, ये तो बवाल रोज ही ममता रहेगा। अब इनसे कहो कि एमसीडी में अपराधियों को खड़ा ना करे। अभी तो शायद मर्ज हो रही है वो उनसे, मैंने आपका वो वीडियो 2-3 भेजे थे उनको, भाई साहब को, तो उन्होंने कहा था हाँ मेरी चर्चा हुई है, मैं आपको मिलवाऊंगा एक बार उनसे। मैंने ठीक है, आप मुझे जब उनके पास समय हो तो बताइए, मैं मिलूंगा आके। चलिए चलिए चलिए, हम तो हमेशा उनका स्वागत करते हैं और हम तो सभी का स्वागत करते हैं। नहीं नहीं, वो वैसे दिल से बड़े अच्छे हैं, मतलब वो देखो दिल से अच्छे होने का तभी फायदा है जब हम अपनी अच्छाई का जमीन पे परिवर्तन लाने के लिए यूज करें, नहीं तो आप में और खराब व्यक्ति में क्या फर्क है? वो मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो, सीधे इंसान है। देखिए वो अच्छाई अच्छे इंसान होना हमारा व्यक्तिगत आभूषण हो गया है, उससे समाज को और देश को तो कोई फायदा नहीं मिलता। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और आप ये बताइए, हम में से अधिकांश लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, हम में से अधिकांश लोग जो है डिप्लोमेटिक होना चाहते हैं, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत तो नहीं। हम तो महागुलाम कहलाए ना अंग्रेजों के समय, डरते हैं ना, डरते हैं, तो इसका मतलब है कि आप महागुलाम हो गए ना। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब तो हम उनके सामने रोज विद्रोह करते थे, रोज बगावत करते थे, उनका जीना दूवर करके रखा था, उनकी असेंबली में जाके भी जला, चाहे स्मोक बम भी फेंकते थे क्योंकि मानने का नियत नहीं होती थी, लेकिन स्मोक बम फेंक ही देते थे, उनके खजाने लूट लेते थे। तो वो उनका वो उनकी जिंदगी जो है ना हमने काफी दूवर बना के रखी थी, और उसके लिए बहुत सारे लोग जेल गए,
उनका उन्होंने बहुत तकलीफें सही, हाँ उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो जी बिल्कुल इतने सही डर के बाद आप छोटे गुलाम थे, आज जब कहा। आपके बोट से ये सत्ताएं बनी हुई हैं, इन सत्ताओं के सामने आप बड़े गुलाम हो गए हैं, आपके मुंह नहीं खुलता है, आप दुष्ट हो गए हैं, आप निर्लज्ज हो गए हैं। अपने पर्सनल को स्वार्थ हैं लोगों के, उनको भी तो यही भैया क्या रियलाइज स्वार्थ है, मर जाओगे, जो भी जिंदा जो भी करना पैदा हुआ है उसको मरना एक शाश्वत फैक्ट है। हमने अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जो जिंदा रह रहा हो हमेशा। महाराजाओं से लेके सब जो है अपने समय पे मौत में जो है ना जी विलुप्त हो जाएंगे, इसी जमीन से मिल जाएंगे, पंच तत्व जो है इसमें मिल जी जाएंगे, जो है ना कि मोटी कहे बिल्कुल कुमार, माटी कहे कुमार से, तू का क्या रोदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। है तो बिल्कुल अभी बड़ी सही विल भी पंच तत्व में विलीन होना ही हाँ, है। वो तो पार्ट है, अगर कुछ कर जाएंगे तो शायद लोग याद करेंगे। याद करने का छोड़िए, एटलीस्ट यू विल हैव कि हम जिस आत्मा से जन्म लिया था शायद वो पूरा हो जी गया है। कौन याद कर रहा है, क्या जी याद कर रहा है, हाउ डज इट मैटर। आप हाँ यहाँ है नहीं, यदि मुझे सर्वेश याद करता है तो इससे मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। यदि मैं मरी गया हूँ फिर उसके बाद आप याद करो ना करो, इससे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ना है। सही कहा आपने। नहीं, डज इट मैटर टू मी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यदि आप गालियां भी दो तो भी हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। क्या है, बिल्कुल सही नहीं, इट डज नॉट रियली मैटर। तो नहीं। ये कि हमें याद करेंगे इसलिए करें तो स्वार्थ हो गया ना। जो गीता का ज्ञान है, कर्म किए जा मत कर चिंता है मत कर रहे इंसान, जो जो क्या कहते हैं, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, राइट। तो फल की चिंता मत करो, यदि आप कह रहे हैं कि हमारा नाम याद किया जाएगा तो ये भी फल ही हो गया है ना। एक्सपेक्टेशन है आपकी। हाँ। देखिए जो कुछ भी जो कोई कर रहा है, इट इज द कॉस्मिक डेस्टिनेशन। यदि आप ये मान के करेंगे तो आप सबसे ज्यादा अजय है। जो जिस व्यक्ति का हौसला बड़ा है, हमने पुलिस में देखा है जितने बड़े डरावने गुंडे बदमाश होते थे उतने चीखीला परवान होते थे, जब हमने उनको अरेस्ट किया साला एक थप्पड़ मारा तो साला जमीन में गिर जाते थे। मतलब और वो बाहर जिनके दिखाते जिनके जिनसे लोगों लोगों से। की रूहें कांपती थी, हम तो टेररिस्ट की बात भी कह रहे हैं, जिससे लोगों की रूहें कांपती थी, उन्हें एक अच्छा सा लपाड़ा, एक को लपाड़ा मार दे तो मुझे फ्रैक्चर हो गया, खुद को फ्रैक्चर हो गया, इतना जोर से लपाड़ा मारा उसको, ठीक है ना। तो वो दीवार से चिपका हुआ था तो आधा हाथ उसको लगा आधा दीवार, आधा दीवार में लग गया, ठीक है ना। तो आई आई मैट फ्रैक्चर, इतनी गति से वो हाथ मारा गया था। जी। और अगर 100% उसको लगता तो उसका क्या उसकी तो होता। हड्डी टूट जाती। तो जो है मेरा ये कहने का मतलब है, जो महा डरावने इंसान है वो सीखिया पहलवान है, फिर वो डरावने अपने जो है ना दृढ़ता के कारण है, जज्बे के कारण है। तो वो गलत काम के लिए जज्बा पैदा कर रहे हैं, आप अच्छे काम के लिए कर लीजिए। हाँ जज्बा तो जज्बा है, ऊर्जा तो ऊर्जा है, ऊर्जा है, ऊर्जा तो काम आएगी, पॉजिटिव ऊर्जा है। इसलिए हमने ऊर्जा केंद्र को जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा तुमने, हमारा क्या ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नहीं मैंने अभी अभी जारी किया है, अच्छा पढ़ो पढ़ो, खुद भी ठीक ऊर्जा केंद्र बनो और जी। अपने समय का 1 घंटा, आधा घंटा, 15 घंटा, 15 मिनट लगाओ और उस फिलोसफी को इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक आज सही करो, ठीक है। अभी से ठीक चलिए चलिए, तो है मैंने मैंने जब उनसे बात हो जाए तो मुझे बताना फिर। जी, मैंने बात होगी, चलिए मैं आपसे चलिए, ठीक तो एक बार फिर से जो है अच्छा। और उस वाले में कुछ हुआ आगे? चाचा जी, माइकोबैक्टीरियम का जो है ना किट, वो हमने यूज किया था, तो माइकोबैक्टीरियम का जो वो है वो टिश्यू से अभी कर रहे हैं, ब्लड से तो नहीं हुआ था, अभी टिश्यू का सैंपल आएगा, टिश्यू से करके एक नहीं काम शुरू और भी करना करेंगे। उसमें, कि हाँ चूंकि वो बहुत ही कहना चाहिए कठोर टाइप का वेसलेस है, राइट, क्योंकि उसे जो है ना मारने के लिए मल्टी ड्रग की थेरापी का यूज करना पड़ता है, वो भी जो है ना छह छह महीने तक, तो सिंगल एप्लीकेशन मे नॉट बी सफाइस। वो एक्चुअली क्या होता है, वो आर यू गेटिंग माई प्रोटीन। पॉइंट, हाँ मैं समझ मतलब गया, वो उसका जो आरएनए या उसका जो जो भी स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि इट मे नॉट बी एज सॉफ्ट एज ऑफ द करोना, राइट। तो
कोरोना में तो आपने थोड़ा सा ट्रेस डाला और वो साला परखच्चे उड़ गए, उसके आरए ने भी कुछ वो वायरस से बैक्टीरिया है एक्चुअली ना, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल जो है ना वो बहुत पावरफुल होगा ना, बहुत पावरफुल होता है, वो नहीं टूटता है, वो पेनिट्रेशन इतने आसान नहीं नहीं होता, वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है ना वो। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो बेटे, इसमें जो है मल्टीपल एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग। हाँ मतलब आपने एक बार डाला फिर टेस्ट पे क्या आया, दूसरी बार डाला फिर टेस्ट पे क्या आया, तीसरी बार डाला तीस दिन तक डालो। हाँ नहीं अभी उस पर दो, अभी मुझे कम से कम 4-5 और टेस्ट लगाने पड़ेंगे जब कुछ बता पाऊंगा आपको। अभी हमने इसको नहीं, देखो मेरा ये कहना है जल्दबाजी क्यों है, मैं तो कह रहा हूँ आराम से करना है। देखो मेरी बात ध्यान से, चलिए ध्यान से सुनो मेरी बात जी, इसकी थोड़ी बहुत कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो राइट जी, फिर इसको करो पूरा फॉलोइंग द सिस्टमेटिक रिसर्च मेथोडोलॉजी, और फिर अपने रिजल्ट को एज ए रिसर्च पब्लिश भी करो जी। आप कोई जो है ना गोपनीय काम नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं कर, ये बताओ यदि इस ये यदि सत्य पाया गया, जिसे जो कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि सत्य होना चाहिए, तो आप ये देखिए 12 करोड़ लोग शायद मरते हैं, क्रांति आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हम कितनी एगोनी को खत्म कर देंगे, मल्टी ड्रग थेरापी में कितना पैसा खर्च होता है, जो ये मल्टी ड्रग्स लेते हैं उससे साला दिमाग घूमता रहता है, इट इज कॉजिंग लॉट मच लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अवर बॉडी, हमारे बदन पे जो है इसका इतना बड़ा प्रभाव दुष्प्रभाव होता है, तो हमारे पैसे भी बचेंगे दुष्प्रभाव भी बचेगा, और जो इतने 12 करोड़ लोग मर रहे हैं वो भी बच जाएंगे। ये तो जो है ना देखा जाए तो देश के प्रति इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल राइट। और मुझे तो लगता है कि हमें कैंसर से हमारा अप्रोच बदलना चाहिए, कैंसर इज नॉट बीइंग कॉज्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट राइट, कैंसर इज अ रिवोल्ट ऑफ योर सेल अगेंस्ट योर सेल बिकॉज यू हैव कमिटेड सो मच एट्रोसिटी टू योर सेल योर ओन बॉडी राइट। तो एक बेनाइन सेल है जिसको कि करोड़ों साल की मेमोरी रखता है, हमारी दुष्टता के कारण वो मेलाइन हो गया। किसकी दुष्टता के कारण जी, किसकी दुष्टता है वो सैंक्टी है ना, कुछ ना कुछ आप फॉरेन बॉडी एंटर कर रहे हैं। वो दुष्टता किस फॉर्म में है, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड राइट हार्मोन, तो हम दुष्ट लोग जो है गाय भैंस बकरी मुर्गी फल सब्जियां सभी में हार्मोन ठोसते जा रहे हैं राइट। अब आप ये देखिए जो तीसरी दुष्टता आती है वो आती है दवाइयों में, जो आप मॉलिक्यूल खा रहे हैं ऐसा कोई मॉलिक्यूल केमिकल फॉर्म में है ही नहीं विच इज 100% सेफ राइट। नहीं कुछ भी सेफ तो है ही नहीं, सेफ हाँ, नहीं नहीं केमिकल भी आप केमिकल मॉलिक्यूल लोगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट करेगा। केमिकल तो सेफ, एक्चुअली आर्टिफिशियल केमिकल तो सेफ कैसे हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर उसे जो है ना अपने हम करेंसी लाभ के लिए अपने वित्तीय लाभ के लिए हम जो है ना लेफ्ट राइट सेंटर बकेट में दे रहे हैं ना। अरे आप पुराने लोगों के पास जाइए 6-8 दवाइयां एक सुबह दोपहर शाम को खाते, यदि उसको पूरा जोड़ लिया जाए तो जो है ना एक महीने में वो शायद आधा किलो हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा है आपने, बिल्कुल सही कहा, आधा किलो हो जाएगी। हमारा ये मानना है कि हम शल्य चिकित्सा का लाभ एलोपैथी में ले लें और हमें बाकी पैथीज का यूज करना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट, और यदि उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो कम से कम ट्रीटमेंट में से होने वाले नुकसान को न्यूट्रलाइज करने के लिए कम करने के लिए हमें निश्चित तौर पर जो है अदद दूसरी पैथीज का भरोसा साथ लेना चाहिए। अभी अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एम्स में, हाँ, और उन्होंने एक इंटीग्रेटेड मेथड पे आयुष, अरे स्पेशली मैं आई एम एडवोकेटिंग, आप मुझे पिछले 3 साल में सुनो लगातार मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन सिस्टम बनाना चाहिए जी, क्योंकि ये दुष्ट डॉक्टर नहीं बना पाएंगे, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। नहीं उस पर वर्क चल रहा है चाचा जी, वो जो ऐसे हम तो वो वर्क बता रहे हैं कैसे करना चाहिए। देखो भाई मैं तो कॉस्मिक नॉलेज देता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं ना, तो मैं जो बात कहूंगा वो तो कोई नहीं सकती है जी जी, ठीक है ना। तो यदि डॉक्टर हमारे ये डॉक्टर तक हमारी बात पहुंचा देना, हमारा ये ऑडियो रिकॉर्डिंग पहुंचा देना उसके पास, वो डर जाएंगे काम करना बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि उन्हें अगला डर होगा कहेंगे ऐसा मेरी कमियां निकाल ली जाए। नहीं नहीं कमियां मियां कोई कमियां मियां नहीं, और जो है ना रिसर्च वर्क में कमियां नहीं निकाली जाती है, रिसर्च वर्क में जनहिताय के लिए जो है ना कैसे हाउ टू, और जो कमी कहते हैं
जब किसी ने कहा कि एडिशन जो है ना इतने बार प्रयास करने के बाद बल्ब बना, तो बोले नहीं, हमने जो है ना 999 जो है वो तरीके भी खोजे जिससे वो नहीं बन सकता है। तो एक तरीके से बन जाएगा लेकिन 999 तरीके से नहीं बनेगा, ये भी मुझे मालूम पड़ा है। तो दैट डिपेंड अपॉन हाउ यू लुक एट इट। एवरी पीस ऑफ योर वर्क इज एन एक्सपीरियंस एज इज ए नॉलेज एडिशन। सम इज पॉजिटिव, सम इज नेगेटिव। मतलब यदि इस तरीके से जैसे मान लो आपने डाला और वो वैसिलस नहीं मर रहा है, इट मीन्स एक से एक बार में नहीं मरेगा, फिर दो बार डाला, दो बार में मर रहा है कि तीन बार में मर रहा है कि नहीं मर रहा है। और यदि तीन बार डालने के बाद नहीं मरा तो ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई साहब नहीं मर रहा है, कुछ तो मालूम पड़ेगा। हाँ, कुछ तो कंसेंट्रेशन नहीं, अटेम्प्ट तो किया आपने। देखो सर्विस फॉर योर बेनिफिट मैं बताता हूँ इसमें करना क्या चाहिए, एंड दिस इज अगेन ए कॉस्मिक नॉलेज मैं आपको बताता हूँ, और वो असत हो ही नहीं सकता है। तो हमें दो फैक्टर पे काम करना चाहिए, डिसीज की स्टेज एंड टाइम, राइट। तो यदि मान लो बहुत ही प्रिलिमिनरी तत्काल हो रही है, उस समय हो सकता है कि आयुर्वेद होम्योपैथी और ये सब जो है, तो उस स्टेज पे इन सबको अपन ये कहें कि एलोपैथी विल बी प्लेइंग ए रोल, इंटीग्रेटेड रोल, राइट। तो कोई पैथी जो है किसी स्टेज पर प्राइमरी रोल करेगी और बाद में वो सेकेंडरी टर्शरी सपोर्टिव रोल करेगी, राइट। बिल्कुल, आपने जो कह रहे हैं ना, इसी टॉपिक पे आप आपका जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे उन्होंने ट्रीटमेंट को तीन भाग में, हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें इनकी इंटेलिजेंस पे शक है, तो हम ये कह रहे हैं जो भी तुम्हारी इंटेलिजेंस है वो हमारे सॉफ्टवेयर ऐप में डालो। ऐप जो है ना पहले असेस करेगा कि यू आर इन विच स्टेज, राइट। और इसके बाद वो कहेगा कि व्हाट इज द प्राइमरी, व्हाट इज द सेकेंडरी, व्हाट इज द टर्शरी। अब आप एक एलोपैथी के जाओ, वो कहते वो आयुर्वेदिक का मत लेना, उसमें मेटल होती है, मर जाओगे। तो भैया उससे मैं पूछता हूँ कि भैया तेरा भगवान से यमराज से ठेका है क्या, तेरे पास आने पे नहीं मरूंगा क्या? तो वो बेसिकली ये डराने का भी काम करते हैं। मैं आपको बताऊं 90% डिसीजेज इन एलोपैथी इज इनडिटर्मिनेट, उन्हें मालूम ही नहीं है कि किस कारण से हो रही है। दे आर जस्ट जो है ना ट्रीटिंग सिम्टम के कफ आ रही है तो कफ की दवा ले लो, एंड इतनी मल्टीपल दवा दे रहे हैं कि यदि हम दवाएं अकेला छोड़ दें तो हम ज्यादा हमारा स्वास्थ्य इंप्रूव कर जाएगा। सही है। तो बेसिकली हमको इंटीग्रेटेड पैथी और एक ज्ञान जो है अपने पास रखने की बजाय, क्योंकि हम दुष्ट लोग हैं, हम निष्पक्ष रूप से ज्ञान का या तो संधारण ही नहीं कर पाएंगे या करेंगे तो सिलेक्टिवली यूज करेंगे। तो ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सौंप दिया जाए, वो सबसे पहले ये डिटरमाइन करेगी कि जो है ना आप किस स्टेज में है इस समय, और उस स्टेज के हिसाब से किस पैथी को प्राइमरी रोल करना है, किसको सेकेंडरी करना है, किसको टर्शियरी करना है, किसको सपोर्टिव रोल करना है। सपोर्टिव, ये इस पे बहुत वर्क चल रहा है यही पे, और कुछ सारी मतलब रेडियोलॉजी। लेकिन मैं ये बता दूं, ये दिस डॉक्टर जो है अपने नॉलेज को ट्रांसफर कर, जैसे मैं इवन कृषि के बारे में भी फील करता हूँ। हमारी मेन प्रॉब्लम ये है टू डिटरमाइन हाउ मच एरिया शुड बी सोन फॉर विच, एंड इट शुड बी डिटरमाइन थ्रू ए सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी 90% प्रॉब्लम जो है इट इज नॉट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज द 90% प्रॉब्लम है कि एट व्हाट रेट वी आर सेलिंग। तो जब हम सोने की चिड़िया थे तो हम इसलिए थे कि हम हर चीज को सोने के भाव से बेच पाते थे, हम इसलिए नहीं थे कि हम जो ना भर भर के ओवर प्रोड्यूस करते थे, राइट। तो वही चीज अपन को अभी लाना पड़ेगी। चलिए खैर, एरिया का विस्तार हो रहा है, अपन इसको अब सीमित रखते हैं और मैं जो है अपन जो है ये ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था के माध्यम से उसको समझो और उसके बाद मुझसे चर्चा करना जो चीज समझ में ना आए तो, राइट जी सर। और उसको जो है अभी हमने कम से कम 3-4-5 वीडियो उस पर जारी किए हैं, ऑडियो जारी किए हैं, उनको ध्यान से सुनो और इसके बाद यू कैन हैव ए डिलीवरेशन विथ मी, राइट। तो ऑडियो का भी हो सकता है, वीडियो का भी हो सकता है जी, और उसको जो है जिससे कि उसका मकसद रहेगा कि दूसरे लोगों को बात समझ में आए। हाँ हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें जो है इस उन ऊर्जा केंद्रों को एक दूसरे को मैग्नेट थ्योरी से एनर्जी देते हुए बिना अपनी जगह छोड़े, बिना खर्च किए, हम हर काम में खर्च भी नहीं काम करते हैं, चाहे चुनाव हो तो खर्च भी,
हर काम खर्च भी, ठीक है ना। तो वो मैग्नेट जो है ना, बिना कहीं जाए अपने आसपास के सब लोहे को मैग्नेट बना देता है, और वो मैग्नेट जो है ना बगल वालों को मैग्नेट बना जाता है। इसी तरीके से हम सबको मैग्नेट बना देंगे तो 100 करोड़ हमारे ऊर्जा केंद्र हो जाएंगे। फिर ऊर्जा केंद्र से कहेंगे कि भैया देखो ये चीजें कराना है सरकार से, राइट, तो आप थाली बजाओ, दीपक जलाओ, और जो है हमारा वीडियो बजाओ, सब लोग सीधे सुन लेंगे, तो फिर वो शायद अनुनय विनय वो प्रार्थना को सुन लेंगे, और यदि नहीं सुनेंगे तो फिर उनको विवश करेंगे, और नहीं सुनेंगे तो 2024 में क्राइम फ्री भारत पार्टी आएगी और अपने 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इन दुष्टों को जहर की जमानत जब्त करा देंगे, वो भी बिना किसी चुनाव प्रचार के, बिना बाहर निकले हुए। कैसा लग रहा है आपको बात? नहीं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपकी वो वीडियो सुनूंगा, मैं फिर आपसे डिस्कस भी करूंगा। चलिए ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।